ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोग देश में मजबूत सरकार चाहते हैं, न कि वे लोग मजबूर सरकार चाहते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार में यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार के चस्प पोस्टर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि चुनाव से पहले यह लोग कितने भी गठबंधन कर लेकिन वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग गठबंधन वाली सरकारों का हाल देख चुके हैं, इनका कोई भविष्य नहीं है। भविष्य सिर्फ मोदी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार का ही है, जिससे देश का नाम पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि केरल में एक चर्च के पादरी से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बारे में बात करना समय की बर्बादी है, वह भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपने परिवार को बचाना चाहते हैं। सुनते हैं क्या कुछ कहा है। चुनाव नहीं आता तब तक मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सभी को अधिकार है, लेकिन सारा देश इस बात को जानता है कि पूरे देश की जनता का समर्थन और आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है, और देश की जनता बहुत समझदार है। जो लोग तात्कालिक रूप से गठबंधन करके उसका नाटक करके जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनकी कलाई अब पूरी तरह खुल चुकी है।